हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे साबूदाना वड़ा। जब भी हम साबूदाना वड़ा बनाने की सोचते हैं तो बहुत झंझट लगता है कि पहले साबूदाना भिगो फिर आलू उबालो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट साबूदाना वड़ा की रेसिपी। आप ये आवाज़ सुन सकते हैं कि ये एकदम क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे और सिर्फ 15 मिनट में ये बनके तैयार हो जाएंगे। और साथ में ही इनके साथ खाने के लिए चटनी भी बनाना बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम एक कप साबूदाना लेंगे। साबूदाना आप मीडियम साइज़ का या छोटे साइज़ का भी ले सकते हैं। इनको हमें पानी में बिल्कुल भी नहीं भिगोना है, बिना भिगोए हम इनको भूनेंगे। तो इनको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। और ये ध्यान रखें कि इनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, बस लगातार चलाते हुए हम इनको 2 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर दें और इनको थोड़ा ठंडा होने दें। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनेगा, हल्का सा ये दरदरा रहेगा। इनको अब हम एक बड़े बोल में निकाल लेंगे। आधा कप मूंगफली दाना लेंगे। इनको मैंने भून के छिलका निकाल लिया है और अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। इनको हमें दरदरा ग्राइंड करना है तो पल्स मोड पे चला के हम इनको दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। जितना आप साबूदाना लें उसकी आधी क्वांटिटी में मूंगफली लें, बोल में डाल लेंगे साथ। और अब मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और आलूओं को हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। साबूदाना बड़ा बना रहे हैं तो उसमें हम आलू डालेंगे ही, तो इनको हम इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। और सबसे ख़ास बात इन साबूदाना वड़ा की ये है कि ये ज़्यादा तेल भी एब्ज़ॉर्ब नहीं करते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। और अब हम इनको मिक्सी जार में डाल लेंगे। साथ में ही मैंने यहाँ पर 1 इंच अदरक डाली है और 2-3 इसमें हरी मिर्च डाल दें। 1 चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे और थोड़ा सा पानी, हम 2-3 टेबलस्पून पानी डालकर इनको हम पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमने इनको अच्छे से पीस लिया है और इनको भी हम बोल में डाल लेंगे। इसमें हम थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे, स्वादानुसार सेंधा नमक डाल दें और थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डाल दें। अगर आप काली मिर्च नहीं खाते हैं व्रत में तो उसको स्किप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें हम नींबू का रस डाल देंगे। इन सबको डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। पहले हम अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालेंगे और मिलाते जाएंगे। एक साथ हम पूरा पानी नहीं डालेंगे। ये बहुत ही कम तेल सोखते हैं और फटाफट आप इनको बना सकते हैं। ना तो इनको भिगोने का झंझट है और ना ही आलू उबालने का। मैंने ये मिक्सचर रेडी करने के लिए तकरीबन 3/4 कप पानी डाला है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम थोड़ा सा पोर्शन लेके हथेली में बांध के देखेंगे, जैसे हम लड्डू बनाते हैं। अगर ये बन रहा है तो हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको ढक के 2 मिनट के लिए रख देंगे और तब तक हम व्रत के लिए चटनी बना लेंगे। मिक्सी जार में हम 1 कप धनिया डालेंगे, 1 इंच अदरक डाल दें और 2-3 हरी मिर्च अपने स्वादानुसार डाल दें। इसमें हम सेंधा नमक डाल देंगे और 2 टीस्पून इसमें हम दही डाल देंगे। 2 चम्मच पानी डालेंगे और अब हम इनको पीस लेंगे। और ये हमारी व्रत के लिए चटनी बनके तैयार है। और मिक्सचर को ढककर रखे हुए 2 मिनट हो गए हैं और अब हम इनके वड़े बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे नींबू के साइज़ का और उसको हम जैसे लड्डू बांधते हैं, इस तरीके से हम इनको ऐसे गोल शेप दे देंगे। और उसके बाद हम हथेली से हल्का सा इसको दबाएंगे और उसके बाद हम ये चारों ओर से ऐसे घुमाते हुए इसको स्मूथ कर लेंगे। तो बिल्कुल हम जैसे टिक्की के लिए बनाते हैं, उस तरीके से हम इनको ऐसे चारों ओर से ऐसे घुमाकर बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे और टिक्की का शेप दे देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम ये बड़े बना लेंगे। एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ऐसे थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसको हम हथेली में ऐसे घुमाते हुए लड्डू का शेप दे देंगे। फिर इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और चारों ओर से घुमाते हुए हम इसको बिल्कुल टिक्की के शेप में बना लेंगे।
फिर देखिए इस तरीके से आप सारे वड़े बना के रख लें। तो ये मैंने इस तरीके से थोड़े से वड़े बनाए हैं, तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। तेल गरम होने के लिए रख देंगे और जब तेल गरम हो जाएगा तब हम इसमें एक एक करके ये वड़ों को डालेंगे। एक साथ नहीं डालें, एक डालें फिर थोड़ी देर रुकें फिर दूसरा डालें, कुछ सेकंड्स के लिए रुकें फिर उसके बाद दूसरा डालें। तो इस तरीके से हम ये वड़ों को फ्राई करेंगे। और ये ध्यान रखें कि आपको फ्लेम मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पे हम इनको फ्राई नहीं करेंगे। अगर आप हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से अच्छे से सिक जाएंगे। और 2-3 मिनट के बाद अब हम इनको पलट देंगे। तो बहुत सावधानी से पलटें, एक एक करके पलटें, सबको एक साथ नहीं पलटें। तो आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं फट रहे हैं। एक बैच को फ्राई होने में कम से कम 5-6 मिनट लग जाता है। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम इनको फिर से पलट देंगे और इसी तरह हम अलट पलट करके दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद अब आप ये देख सकते हैं कि दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इनको कढ़ाई में से निकाल लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं फटे हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है और ये तेल भी ज़्यादा नहीं सोखते हैं। और इसी तरह हम जो बाकी के वड़े हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। बस आप ये ध्यान रखें कि एक साथ नहीं डालें, एक एक करके डालें। एक डालें, कुछ सेकंड्स रुकें, फिर दूसरा डालें। तो इसी तरह हमने सभी वड़ों को फ्राई कर लिया है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी हैं, कहीं से इनमें क्रैक्स नहीं आए हैं। और अब हम इनको जो हमने चटनी बनाई है उसके साथ सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाना बहुत ही आसान है। कम समय में आप ये टेस्टी साबूदाने वड़े बना सकते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं। आप ये आवाज़ सुन सकते हैं, ये एकदम बाहर से क्रिस्पी बने हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। और बिल्कुल भी आप देखेंगे कि ये तेल अंदर से बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करा है। तो आप इस तरीके से साबूदाना वड़ा बना के ज़रूर देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएंगे।